कि बारिश शुरू हो गई है। एक्चुअली मैं बता दूं कि बारिश का मौसम जो होता है बहुत अच्छा लगता है, इसमें मन करता है कि बस नहाना शुरू कर दूं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पे पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए जो है चलते रहना है मंजिल की तरफ और कुछ नहीं। सावन आने में भी बहुत दिन लग गए। पहले क्या होता था, जून में चालू हो जाती थी बारिश, आंधी तूफान। इस बार आपकी समझिए कि जुलाई आखिरी पे आ गई है और अब जाके कहीं बारिश होना शुरू हुई है। लेट हुई है, अब देखते हैं कब तक होती है, सितंबर तक होती है कि अगस्त में ही बंद हो जाएगी। लेकिन मानसून का मौसम बहुत अच्छा होता है। पहले दिक्कत होती थी मानसून में, लेकिन अब बहुत अच्छा लगने लगा है। और आपको कुछ और बताते हैं, पहले जब छोटे क्लासों में पढ़ते थे तब स्कूल से बहुत डर लगता था। तो सुबह उठते थे तो जिस दिन बारिश हो रही होती थी उस दिन ऐसा लगता था कि बस बारिश होती रहे। कॉलेज का टाइम, स्कूल का टाइम जैसे ही निकल गया उसके बाद ऐसा लगता था बंद हो गया। और जिस दिन क्या होता था, कॉलेज के टाइम पे बारिश बंद हो गई तो उस दिन जाना पड़ता था। हेलो फ्रेंड्स, देखिए इटावा का क्या हाल होता है बारिश के टाइम। अगर एक घंटे जमकर बारिश हो जाए तो ये समझ लीजिए इसमें अगर एक ट्रक भी आ जाए वो भी डूब जाएगा। सेकंड्स लेटर पानी का, ये देखिए ऐसा लग रहा है नदी बह रही है। अभी तो बहुत कम है,
क्योंकि अभी बहुत ज्यादा 10 मिनट बारिश नहीं हुई होगी ठीक से। ये देखिए हाँ, देखिए वहां पर नदी में चल रहे हैं हम लोग।